इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi 6A के अंदर अगर आपको हीटिंग की प्रॉब्लम आती है तो हीटिंग की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद अबाउट फ़ोन में जाना होगा। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद यहाँ पर सिस्टम अपडेट में जाना होगा और यहाँ पर अपने फ़ोन को आपको अपडेट कर लेना है। यहाँ पर क्या होगा, जितने भी आपके हीटिंग रिलेटेड बग होंगे वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे जितने भी होंगे। उसके बाद बैक लाने के बाद यहाँ पर नीचे जाइए। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तब तो यहाँ पर स्टोरेज में जाइए। स्टोरेज में जाने के बाद क्लीनर पर जाइए और यहाँ पर अपने ट्रैश डेटा को सारे के सारे को डिलीट कर दीजिए। यहाँ पर क्लीन कर दीजिए, क्लीन का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होता है, जब भी आपका ट्रैश डेटा बहुत ज़्यादा हो जाता है तब आपको हीटिंग की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, क्योंकि स्टोरेज जो है वो आपकी फुल हो जाएगी। अदरवाइज़ यहाँ पर भी आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो फिर बैक लाइए और यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स में जाइए और नीचे जाने के बाद यहाँ पर बैकअप एंड रिसेट का ऑप्शन मिलता है, तो इस पर क्लिक करके आप अपने फ़ोन को फॉर्मेट मार लीजिए। तो लास्ट सोल्यूशन बस इसका यही था। बाकी तीसरा वाला ऑप्शन को आप सबसे लास्ट में यूज़ कीजिएगा जब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो। अदरवाइज़ थोड़ा बहुत जो है आपका हर फ़ोन हीट होता है, हर फ़ोन जो है आपका यहाँ पर प्रॉब्लम आती है इस फ़ोन में हीटिंग होने की। तो बस यही प्रोसेस है इसका। अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जितना भी प्रोसेस हुआ हमारे Redmi Note 5 Pro में, आप Redmi के किसी भी फ़ोन में ये प्रोसेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। कोई फीचर आपको नहीं मिलता है तब भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा।